ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। अरे मैं कहता हूँ शेर पालो या गधा पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। ये अंधभक्त लोग गलत फहमी पाले हुए हैं। ये गलत फहमी मैं कहता हूँ, अगर इस देश में अंधभक्त कहते हैं कि मैं 500 रुपए डीजल और पेट्रोल ले लूंगा, तो 500 रुपए पेट्रोल ले लीजिए ना, दो पेट्रोल पंप लगा देने चाहिए। एक अंधभक्तों के लिए, एक देश की आम जनता के लिए। जनता तय कर देगी ना कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। तो ये शेर नहीं पाले हैं, ये गधा पाले हैं, और ये गधा को उस पर बैठा के और देश की व्यवस्था को और डामाडोल करते जा रहे। मैं कह रहा हूं ना, सोने की लंका कही जाती थी, आज क्या हो गया, लंका का डंका बज चुका है। तो यहां हमारे देश में लोग कह रहे हैं मोदी जी का डंका बज रहा है। अरे मोदी जी का डंका नहीं बज रहा है, हंगर इंडेक्स का डंका बज रहा है, सबसे नीचे पायदान पे। CMI की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, बेरोजगारी में सबसे नीचे पायदान पे। आप गरीबी भुखमरी की इंडेक्स उठा के देख लीजिए, सबसे नीचे पायदान पे। तो मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु बनाने का काम किया है। मोदी जी को मैं चैलेंज करता हूं कि अब की बार 2024 में आपको जनता बेदखल करने का काम करेगी। GST आया तो व्यापारी बर्बाद हो गए। सरकार कहती थी GST आएगी तो रोजगार बहुत अच्छा मिलेगा, व्यापार बहुत अच्छा बढ़ेगा। रेरा एक्ट लेके आइए, उसके बाद बिल्डरों कोलैप्स हो गए, सारे बिल्डर कोलैप्स हो गए। उसके बाद नोटबंदी लाए, बोले थे बाबा कामदेव काला धन आएगा, काला धन आज तक नहीं आया। अब महंगाई इस तरह से बढ़ रही है तो ये सरकार अब जमीन बेचने पे तैयार हो गई है। इस सरकार ने एक कंपनी तैयार की है, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, जिसके द्वारा इस सरकारी संपत्तियों को, सरकारी जमीनों को बेचा जाएगा। आखिर ऐसी कौन सी बेचू सरकार थी जो सरकार आई सिर्फ बेचने पे तुली हुई है, इस देश की जनता के ऊपर खर्च करने का काम किया है। ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा और इससे सवाल पूछेगी अब जनता। आने वाला 2024 का जो चुनाव होगा, ये परिवर्तन का चुनाव होगा और सत्ता के खिलाफ चुनाव होगा, क्योंकि इस सत्ता ने जनता को लूटने का काम किया है, जनता की जेब को काटने का काम किया है। अरे तो बाबा रामदेव से कह दीजिए कि अब की बार जनता के बीच आप पहुंच गए ना, तो आपका सलवार भी फाड़ने का काम करेगी। स्मृति ईरानी जी जो संसद भवन में पहुंच के और महंगाई पे बात नहीं कर रही हैं, तो उनसे भी कहना चाहता हूं कि आपको भी जनता खोज रही है देश की। आप सड़क पे जब निकलेंगी तो आपको भी जनता एकदम जूते लेके तैयार है, और जिस तरह से आप गैस सिलेंडर लेके भागती थी, जनता तैयार है अब की बार। अरे भाई अब की गोबर का लेप दिया जाएगा स्मृति ईरानी को, बाबा कामदेव को गोबर का लेप दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने महंगाई के खिलाफ 2014 देखिए जनता, देश की जनता कह रही है इस वक्त महंगाई है, क्योंकि आप बताइए जिस तरह से सरसों के तेल, डीजल, पेट्रोल और महंगाई की मार। यही सरकार कहती थी कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार आज महंगाई पे कहां सोई हुई है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और लाला रामदेव, स्मृति ईरानी, ये लोग कहां पे हैं आजकल। इस देश में महंगाई चरम पे है, महंगाई की बात नहीं हो रही है संसद भवन में। इस देश में केवल धार्मिक मुद्दों को एक एजेंडा बनाया जाता है और उस चुनाव में महंगाई को नदारद कर दिया जाता है, लेकिन अब जनता सड़कों पे खड़ी है और इस सरकार से सवाल पूछ रही है कि आपने हमारे ऊपर जुल्म किया है, हमारे ऊपर जाति की है, आपने जिस तरह से जनता की कमर तोड़ महंगाई करने का काम किया है, आपको सत्ता से जनता बेदखल करेगी। जनता कहां सत्ता में ला रही है, वही आप कहते हैं। इस वक्त जिस तरह से आपने देखा होगा श्रीलंका में जिस तरह से अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, उसी तरह से भारत का भी हाल होने वाला है पत्रकार महोदय, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ये जश्न मना रही है स्थापना दिवस का, और देश की जनता शहीदी दिवस का अपना मना रही है, क्योंकि ये जिस तरह से लोग आज बताइए, आज हमारी महंगाई के बात पे लोग बात करने के लिए नहीं तैयार है। आज गुजरात का चुनाव आने वाला है तो सब प्रचार के लिए तैयार है, और केंद्रीय कार्यालय में BJP वाले स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो इस देश में क्या महंगाई मुद्दा नहीं होना चाहिए।
इस देश में क्या 5 किलो राशन का मुद्दा होना चाहिए? सरकार सिर्फ 5 किलो राशन का मुद्दा भुना के और देश की जनता को सिलेंडर का तेल निकाल रही है, सिलेंडर का खून निकाल रही है। तो इस सरकार ने बहुत ज्यादती की है और इस सरकार से हम सवाल पूछेंगे और सरकार को झुकाने का काम किया जाएगा। कारण क्या है महंगाई आने का? कारण क्या है? क्योंकि देखिए, इन हमारी एक नक्सली चाची है, फिनांस मिनिस्टर है वो, उनको इस देश में अर्थव्यवस्था ही नहीं समझ आ रही है। देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले पीने बेश की बात किए, उससे जब अर्थव्यवस्था नहीं संभली तब इन्होंने निजीकरण की बात की, जब निजीकरण से नहीं व्यवस्था संभली तब इन्होंने मोनेटाइजेशन की बात की। इस देश में आप बताइए इस देश में सफर भी महंगा हो गया। 1 अप्रैल से रोड पे चलने के लिए आपको महंगाई, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होता है वो भी महंगा हो गया। इससे पहले किसी सरकारों ने दवाइयों पे बढ़ोतरी की थी। तो इस सरकार को समझ ही नहीं आ रहा है कि महंगाई किस तरह से कंट्रोल की जाए। इस सरकार ने जुल्मी और तानाशाही की सरकार, ये केवल अपना अकाउंट भरने के लिए। देखे होंगे कल योगी जी कह रहे देश के राष्ट्र के निर्माण में एक ऐप लॉन्च किया उन्होंने कि पार्टी को पैसा दीजिए, मतलब पार्टी को पैसा दीजिए। एक तरफ से महंगाई के लिए भारतीय जनता पार्टी को पैसा दीजिए। तो हम इस जनता हैं, इससे सवाल पूछते रहेंगे। ये हमारी आवाज को दबाना चाहती थी लेकिन हम दबने वाले नहीं है, यही सरकार। हम गलत बात नहीं पूछ रहे, हमारे देश के मोदी जी कहते थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी जी आप बताइए, इस देश में किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, इस देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, इस देश में युवाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, आखिर आपकी सरकार कहाँ बैठी हुई है? ये तानाशाही सरकार के खिलाफ निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, और इन जैनानों से हम जंग की लड़ाई लड़ेंगे और हम जीतने का काम करेंगे। भाई बोल रहे हैं 2024 में जिस तरह से जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, आज आप बताइए जनता के हित की सरकार है, ये जनता की डकैती कर रही है, ये लूटतंत्र की सरकार है भाई। इस सरकार ने आज बताइए, इस बताइए, इस सरकार ने क्या काम किया है? इस सरकार ने देश की जनता को खून चूसने का काम किया है। आज आप बताइए, सरसों के तेल से लेके डीजल पेट्रोल सारी चीज महंगी हो गई है। तो इस महंगाई के दौर में आखिर आम जनमानस कैसे इसकी लड़ाई लड़ेगा? आप बताइए, जिस तरह से जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए उस राज्य का सर्वनाश हो जाता है। इस सरकार ने सत्यानाश करने का काम किया है, इस सरकार ने जनता का विनाश करने का काम किया है। ऐसी सरकार को सत्ता में बदलने का काम अब की देश की जनता करेगी। अरे बुलडोजर से नहीं डलते हमें, तो इस सरकार ने जेल में भी उत्तर प्रदेश में डालने का काम किया, लेकिन इस सरकार से हम इस देश की बुलंद आवाज हैं, हम एक नौजवान हैं, भारत एक नौजवानों का देश है। इस सरकार से सवाल भी पूछेंगे, इस सरकार अगर बुलडोजर चलाएगी तो उसका जवाब भी देंगे। और इसी आवाज विचारों के तहत, विचारों को कोई नहीं कुचल सकता। आजाद भगत सिंह ने कहा था कि विचार को कोई नहीं कुचल सकता है। तो ये सरकार जुल्मी सरकार है, तानाशाही सरकार है, फरेबी सरकार है, झूठी सरकार है, लुटेरी सरकार है। ऐसी सरकार को 2024 में सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम देश की जनता करेगी।